दर्शकों, आपका आज के राशिफल में आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। ज्वाइन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी फॉर प्रोग्राम्स लाइक फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, लॉ एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। फॉर एडमिशन कॉल 8800697058। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कठिनाई वाला रहेगा। यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज अपना फैसला टाल दें, और किसी भी यात्रा पर अगर आप जाना चाहते हैं तो अपनी यात्रा को भी टाल दें। किसी भी प्रकार का वाहन चलाने में सावधानी बरतें, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। साथ ही आपको आज व्यापार में ज्यादा रुपयों का लेन देन करने से बचना होगा। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो अपना पार्टनर पर ज्यादा विश्वास ना करें, अन्यथा आपको धोखा मिल सकता है। आज आपको कोई कार्य बनता बिगड़ता जाएगा जिससे आपका मन परेशान रहेगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर आपकी अनबन हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अपनी आय को बढ़ाने के आज आपको नए नए साधन निकाल सकते हैं, जिसमें आप जिस साधन को अपनाएंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज आपका मन किसी बात को लेकर बहुत प्रसन्न रहेगा, आप फूले भी ना समाएंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपके परिवार को आपके साथ की आवश्यकता है। आपकी नई योजनाएं बहुत ही जल्द सफल हो जाएंगी, जिससे आपको व्यापार में उन्नति भी मिल सकती है। आज आप अपने रिश्तेदारों की सेहत को लेकर बहुत परेशान हो सकते हैं। अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। अपनी संतान को आज समय देने की कोशिश करें। आपके परिवार को आपके साथ की आवश्यकता है, आपके पैसे की नहीं। आज आपका प्रॉपर्टी के लेन देन से संबंधित कोई नया कार्य बन सकता है, जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगली राशि है मिथुन राशि। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। साथ ही किसी भी नए कार्य को करने से आज आपका बहुत सारा धन खर्च हो सकता है, परंतु इससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आज आपके परिवार में पुराने चला आ रहे मतभेद खत्म होने का संभावना है, इससे आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है। यदि आप किसी भी नए कार्य से शुरू करने की कोशिश करें तो अभी उसे रोक दें। आपके लिए आज समय अच्छा नहीं है, आपको कोई हानि हो सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकता है। दिन में व्यापार में थोड़ी सी मंदी रहेगी, परंतु शाम में समय काम अच्छा हो जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की ओर से आपका मन आज कुछ परेशान रह सकता है। जीवन साथी से मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके घर में कलेश हो सकती है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का समय थोड़ा ठीक रहेगा। आपके खान पान का संयम रखें। आपके पेट को संबंधित किसी समस्या से जूझना पड़ सकता है, अर्थात आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी। आपके धन को व्यर्थ में कामों में खर्च ना करें तो आपका धन खत्म हो जाएगा और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। आपको शारीरिक चोट भी लग सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा आपका किसी अपने से आपका अनबन हो सकती है। किसी भी फालतू की बातों में बहस ना करें। यदि आज आपको कोई नया कार्य शुरू करना है तो आप अपना फैसला टाल दें। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप पार्टनरशिप में किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं और इसमें आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, जिससे आप छोटे छोटे व्यापार खोलने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपके सहयोगी आपकी तारीफ कर सकते हैं। आज आपका पुराना कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, जिसका पूरा होने से आपको बहुत प्रसन्नता होगी। नौकरी के क्षेत्र में आपको आपका मन लगा रहेगा। आपके विरोधी आपसे परास्त होंगे। जीवन साथी से किसी बात को लेकर थोड़ी सी अनबन हो सकती है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ होगा। आपको व्यापार में कोई नई डील मिल सकती है, जिससे आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज आपका पड़ोस में या परिवार में किसी से लड़ाई का झगड़ा हो सकता है। वाद विवाद से दूर रहें, और अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आप अपने बड़ों का मान सम्मान करें, उन्हें सम्मान देकर उनका मान बढ़ाएं। किसी भी कही सुनी बात को आकर उनका अपमान ना करें, अन्यथा उनके दिल में ठेस पहुंच जाएगी। आपके परिवार में आज प्यार ही प्यार होगा। संतान की ओर से आपका मन आज प्रसन्न रहेगा। आपके बच्चे आप पर बड़ा ही दुलार करेंगे। आपका मन आज फिर बच्चों से बना रहेगा। ईश्वर की कृपा से आपके परिवार में सभी तरह की मौज रहेगी। हर क्षेत्र में आपका आपके प्रिय मित्रों का सहयोग मिलेगा। अपनी माँ के धन संबंधित किसी समस्या को सुलझने में आप सहयोग दे सकते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कष्टदायी रहेगा। व्यापार कर रहे जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा कष्ट दे सकेगा। व्यापार में कोई भी बड़ा लेन देन करने से बचे, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। आपका कोई पुराना कार्य चल रहा आ रहा था, अब वो संपूर्ण होने वाला है, परंतु आपको उसमें भी घाटा हो सकता है और आपका कार्य बिगड़ सकता है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा सावधानी से भरा रहने वाला है। आप कोई व्यापार कर रहे
हैं तो उसी व्यापार में उसी तरीके से चलते रहें, अन्यथा इसमें जोखिम आ सकता है। परिवार के प्रति संबंधों को मधुर बना रखें। परिवार में के सदस्यों को किसी भी प्रकार के कष्टों से देखकर आप उनके लिए हमेशा आगे खड़े रहें, अन्यथा आपका मतभेद आपकी पत्नी से या बच्चों से हो सकता है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप पुराना कोई कार्य रुका हुआ है तो वो आज पूरा हो सकता है, इसके कारण आपका मन बहुत अच्छा होगा। प्यार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आज आप प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें आपका मन बहुत खुश रहेगा। व्यापार की बात करें तो अगर आप कोई व्यापार करते हैं और व्यापार में बहुत समय से अड़चने आ रही हैं, वे आज दूर हो जाएंगी जिससे आपका मन खुश रहेगा। साथ ही आज का दिन आपको हर परेशानी में परिवार का साथ देना होगा। आज आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सब लोग आपकी हिम्मत को देख कर आश्चर्य पड़ेंगे। आज आपका मन आपके संतान की ओर से थोड़ा प्रसन्न रहेगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप जी अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। साथ ही आज आपकी परेशानी का हल भी मिल सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में दिनों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आज आपके व्यापार में उतार चढ़ाव खत्म होने की संभावना है और आपको व्यापार की बहुत ही अच्छा खासा लाभ हो सकता है। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही ठीक रहेगा। कोई रुका हुआ कार्य आपका पूरा हो सकता है जिससे आपके मन में थोड़ी शांति मिलेगी। आज आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे, अन्यथा वाद विवाद बहुत आगे बढ़ सकता है। बहुत समय से चल रही मानसिक तनाव आज खत्म हो जाएगा। आज आपको कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिस पर कार्य करने के लिए आप लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही आज आपके परिवार के सदस्यों से परेशान हो सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का भजन करते रहें, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये था आपका आज का राशिफल। कैसा लगा आपको आज का राशिफल हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। 3 साउथ ब्लॉक डिजिटल।